प्रश्न नंबर एक, कुन ग्रहलाई रातो ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ? अप्सन ए शनि ग्रहलाई, अप्सन बी मंगल ग्रहलाई, अप्सन सी बुध ग्रहलाई, अप्सन डी शुक्र ग्रहलाई। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन बी मंगल ग्रहलाई। प्रश्न नंबर दुई, नेपालको सबभन्दा बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए डोल्पा जिल्ला, अप्सन बी चितवन जिल्ला, अप्सन सी सर्लाही जिल्ला, अप्सन डी धादिङ जिल्ला। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी सर्लाही जिल्ला। प्रश्न नंबर तीन, लामखुट्टेको मुखमा कतिवटा दाँत हुन्छ? अप्सन ए 20 वटा, अप्सन बी 30 वटा, अप्सन सी 32 वटा, अप्सन डी 47 वटा। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन डी 47 वटा। प्रश्न नम्बर चार, कुन नदीमा हीरा पाइन्छ? अप्सन ए गंगा नदीमा, अप्सन बी कोशी नदीमा, अप्सन सी कृष्ण नदीमा, अप्सन डी कर्णाली नदीमा। सत्रह प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी कृष्ण नदीमा। प्रश्न नम्बर पाँच, कुन फलमा कहिले किरा लाग्दैन? अप्सन ए स्याउमा, अप्सन बी सुन्तलामा, अप्सन सी केरामा, अप्सन डी आँपमा। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी केरामा। प्रश्न नम्बर छ, कुन जनावरलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन? अप्सन ए कुकुरलाई, अप्सन बी मुसालाई, अप्सन सी गोहीलाई, अप्सन डी बाघलाई। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन बी मुसालाई। प्रश्न नम्बर सात, घडी सर्फ कुन देशको कम्पनी हो? अप्सन ए भारतको, अप्सन बी अमेरिकाको, अप्सन सी चिनको, अप्सन डी जापानको। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन ए भारतको। प्रश्न नम्बर आठ, हाल विश्वको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? अप्सन ए ढाका जुन बङ्गलादेशमा पर्दछ, अप्सन बी स्थान गई जुन तिनमा पर्दछ, अप्सन सी टोक्यो जुन जापानमा पर्दछ, अप्सन डी दिल्ली जुन भारतमा पर्दछ। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी टोक्यो जुन जापानमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर नौ, मानिसको एउटा कानमा कतिवटा हड्डी हुन्छन्? अप्सन ए 12 वटा, अप्सन बी 9 वटा, अप्सन सी 7 वटा, अप्सन डी 3 वटा। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन डी 3 वटा। प्रश्न नम्बर दस, विश्वको सबभन्दा ठुलो टापु कुन हो? अप्सन ए ग्रिनल्यान्ड, अप्सन बी बफिन, अप्सन सी भिक्टोरिया, अप्सन डी बोर्निया। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन ए ग्रिनल्यान्ड। प्रश्न नम्बर एघार, कुन देशमा 5 वटा सूर्य देखिएको थियो? अप्सन ए अमेरिकामा, अप्सन बी भारतमा, अप्सन सी चीनमा, अप्सन डी जापानमा। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी चीनमा। प्रश्न नम्बर बाह्र, विश्वमा सबभन्दा बढी हतियार व्यापार गर्ने राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए पाकिस्तान, अप्सन बी भारत, अप्सन सी रुस, अप्सन डी अमेरिका। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी रुस। प्रश्न नम्बर तेह्र, रेडियोको आविष्कारक को हुन्? अप्सन ए कार्ल बेल्च, अप्सन बी मार्टिन कुपर, अप्सन सी मार्कोनी, अप्सन डी चार्ल्स बेबेज। त्रेस प्रसङ्गको जवाफ रहेछ अप्सन सी मार्कोनी। प्रश्न नम्बर चौध, पानी पिउने बित्तिकै मर्ने प्राणी कुन हो?
ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कंगारू रेट। इस प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन डी कंगारू रेट। प्रश्न नंबर 15, ई मध्ये कुन पदार्थ पानी में तैरिन्छ? ऑप्शन ए नून, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी मसी। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन डी मसी। प्रश्न नंबर 16, शांति को प्रतीक कुन चरालाई मानिन्छ? ऑप्शन ए सुगालाई, ऑप्शन बी हाँसलाई, ऑप्शन सी कोइलीलाई, ऑप्शन डी परेवालाई। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन डी परेवालाई। प्रश्न नंबर 17, माकुरा बिना खाना पीना को कति दिनसम्म बाँच्न सक्छ? ऑप्शन ए एक महीनासम्म, ऑप्शन बी तीन महीनासम्म, ऑप्शन सी चार महीनासम्म, ऑप्शन डी आठ महीनासम्म। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन डी आठ महीनासम्म। प्रश्न नंबर 18, कुन चराले दूधबाट पानी छुट्याउँछ? ऑप्शन ए मयूरले, ऑप्शन बी हाँसले, ऑप्शन सी सुगाले, ऑप्शन डी परेवाले। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन बी हाँसले। प्रश्न नंबर 19, सर्वप्रथम कुन देशमा संविधान को निर्माण गरिएको थियो? ऑप्शन ए भारतमा, ऑप्शन बी अमेरिकामा, ऑप्शन सी ब्रिटेनमा, ऑप्शन डी जापानमा। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन बी अमेरिकामा। प्रश्न नंबर 20, अन्तरिक्षमा पुग्ने सबभन्दा पहिलो जनावर कुन हो? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बिरालो, ऑप्शन डी कुकुर। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन डी कुकुर। प्रश्न नंबर 21, कुन जनावर को दूध पिउनाले दिमाग 10 गुना तेज भइहाल्छ? ऑप्शन ए गाई को, ऑप्शन बी भैंसी को, ऑप्शन सी बाख्रा को, ऑप्शन डी भेड़ी को। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन ए गाई को। प्रश्न नंबर 22, जनसंख्या को आधार में नेपालको सबभन्दा ठूलो जिल्ला कुन हो? ऑप्शन ए डोल्पा जिल्ला, ऑप्शन बी काठमाडौँ जिल्ला, ऑप्शन सी हुम्ला जिल्ला, ऑप्शन डी जुम्ला जिल्ला। सत्रहवें प्रश्न से जवाब रहेछ ऑप्शन बी काठमाडौँ। साथीहरु तपाईलाई दियो भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज भिडियो लाइक र च्यानलमा जाउनु च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि साथीहरु म यस च्यानलमा यस्तै भिडियो आउँदै रहन्छु। साथीहरु मिल्ने छु अगलो भिडियोमा, त्यतिको लागि जय नेपाल, धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके, बाई बाई।